लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुब्रमण्यम स्वामी का पीएम मोदी पर हमला, नमो नहीं सुन रहे हैं मेरे विचार, जा सकता हूँ चीन। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को मलाल है कि मोदी सरकार ने उनके विचारों को तवज्जो नहीं मिल रही है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में इसे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी हालत में वो चीन जा सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रिया रही है। स्वामी के प्रशंसकों ने जहां नाराजगी छोड़कर चीन न जाने की अपील की है। मंगेश नामक यूजर ने लिखा, आप राम मंदिर और हिंदू हितों के बारे में बोलना छोड़ दीजिए तो सब खुश रहेंगे। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैं राम मंदिर के मुद्दे पर कभी बोलना नहीं छोड़ सकता। दरअसल 29 जून को अपने एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि चीन की प्रसिद्ध सिंधुआ यूनिवर्सिटी ने सितंबर में मुझे स्कॉलर की सभा में बोलने के लिए बुलाया है। विषय है कि चीन की आर्थिक विकास 7 वर्षों की समीक्षा। चूंकि नमो मेरे विचारों को जानना नहीं चाहते तो मैं चीन जा सकता हूँ। वही पिछली सरकार में अरुण जेटली के वित्त मंत्री रहते हुए देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि सुब्रमण्यम स्वामी की आर्थिक मामलों की विशेषता के तौर पर भी पहचान है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।